आज हम बनाएंगे बिना मैदे का और बिना आटे की कचौड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। और ये बनने जा रहा है सूजी की कचौड़ियाँ। ये बहुत कम समय में और बहुत जल्दी बन जाता है, और खाने से कोई नहीं कहेगा कि ये सूजी की कचौड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आलू लिया था, उसे अच्छे से बॉयल कर लिया है। और यहाँ पे आलू को हम छील लेंगे। आप आलू के जगह पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, या मिक्स वेजिटेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है, सभी आलूओं को। अब आलू मैशर की हेल्प से इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मैश करेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े और ये अच्छे से मैश हो जाए। और यहाँ पे सारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हमें इसे तड़का भी लगाना है, तो इसके लिए मैं 2 बड़े अनियन ली हूँ, जिसे अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ। ये आप फाइन चॉप भी कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा साइज़ का कट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ 3 हरी मिर्च लिए, उसे भी बारीक मैंने काट लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से धनिया पत्ती लिया है, इसे भी बारीक मैंने अच्छे से चॉप कर लूँगी। धनिया किसी भी सब्जी या किसी भी डिश में पड़ता है तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 सूखी लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने खड़ा धनिया लिया है, और 1 चम्मच सौंफ लिया है, जिसे हम अच्छे से कूट ले रहे हैं। ये देखिए, इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। तो आइए अब हम आलू को अच्छे से तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून तेल लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, और यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्च और प्याज कट किया था उसे डाल के थोड़ी देर तक भून लेंगे, जिससे प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, और 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून नमक, और जो मसाले को कूटे थे धनिया सौंफ और लाल मिर्च का जो क्रश हमने तैयार किया था, 1 चम्मच उसे डाल देंगे। और जो हमने आलू को मैश किया था उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे आलू मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पे जो हमने धनिया का पत्ता कट किया था उसे डाल देंगे। धनिया के पत्ते डालने से टेस्ट अच्छा आता है, और साथ ही इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। धनिया पत्ती को डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी आलू की स्टफिंग बनके तैयार हो गया है। अब हमें कचौड़ियाँ बनानी है, तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी सूजी ली है, बारीक वाली। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। अगर हमारी 2 कटोरी सूजी है तो 4 कटोरी हम पानी लेंगे। तो हमने 4 कटोरी पानी लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, ऑप्शनल है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, और इसे अच्छे से उबलने देंगे। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो जो हमने सूजी लिया है धीरे धीरे इसे डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर आप एक साथ डाल दोगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो हमारा डो अच्छे से बन नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इससे क्या होता है, अगर हम एक साथ डाल देंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और अच्छे से डो नहीं बन पाएगा, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे, और वो धीरे धीरे पानी सोखता रहेगा और एक अच्छा सा हमारा डो तैयार होगा। तो देखिए, हमने सूजी भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, और देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स भी हो जा रहा है, क्योंकि पानी पूरे अच्छे तरीके से सूजी में सोख लिया है। और यहाँ पे देखिए, हमारा डो भी बन गया। इसे लगातार चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाते ही रहना है। अब जब ये अच्छे से एक डो जैसा बन जाए, तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। इसे हल्का गर्म रहे उसी समय हमें इसे अच्छे से डो बनाना है। अगर आप ठंडे पे बनाओगे तो वो हमारा डो नहीं बन पाएगा, तो हमारी कचौड़ियाँ भी नहीं बन पाएंगी। इसलिए जब ये हल्का गर्म ही रहे तो इसे अच्छे से मैश करके इसे डो बना लीजिए। उससे पहले हाथों में तेल अच्छे से लगा लीजिए, जिससे चिपके ना और अच्छे से एक डोसा बन जाए। और ज़्यादा गर्म हो तो ध्यान से कीजिएगा, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तभी करना है। तो ये अच्छे से हथेलियों की सहायता से अच्छे से मैश करना है, जिसमें
थोड़ी सी भी गुठलियाँ ना रह जाए। और ये देखिए कितने अच्छे से एक डो जैसा बन गया है। इसे बनाना बहुत आसान है। ये कचौड़ियाँ आप अपने बच्चों के टिफिन में, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। छोटे बड़े सभी खाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग मैदा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शनल है सूजी, और सूजी ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है। तो हमने जो डो बनाया था, हम थोड़ा सा लोई लेंगे और उसे कटोरी जैसा फैला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे। अगर आप ज़्यादा लोगे तो ये जब बंद करोगे इसे तो ये फट जाएगा, इसलिए थोड़ा लीजिए और अच्छे से इसे कवर करते रहिए। ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लेंगे तो हमारी स्टफिंग निकल जाएगी, और जब हम फ्राई करेंगे तो सिर्फ पूरा तेल उसमें आ जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा लेना है, उसे अच्छे से कवर करके एक शेप दे देना है कचौड़ी के आकार का। और ये देखिए कितनी अच्छे से कचौड़ियाँ बन गई हैं और हमारे आलू भी नहीं निकले हैं। तो ऐसे ही हमें सभी कचौड़ियों को बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया। जब ये गर्म हो जाए तो हम इसे सैलो फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो ये क्रिस्पी नहीं होगा। अगर आप मीडियम फ्लेम पे हल्के आँच पे करोगे तो अच्छे से क्रिस्पी भी होगा और अंदर तक कुक भी होगा, और खाने में काफ़ी क्रंची भी लगेगा। और ये देखिए कितने अच्छे से ये लाल हो गए हैं। इसे फ्राई करने में 4 से 5 मिनट आराम से लग जाता है अगर आप स्लो फ्लेम पे करोगे तो। और इसमें एक अलग सा कलर आ गया है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसे अब निकाल लेंगे। और यहाँ आइए, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। इसके अंदर की आप फिलिंग्स देखिए कितने अच्छे से हो रखा है, ना कम है ना ज़्यादा है, मीडियम है। और ऐसे ही आपको भी बनाना है। तो आपको मेरी बताई हुई ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भी अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा। ये खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है, और इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। और ये हमारा बन के तैयार है सूजी की कचौड़ियाँ।